सुभाष नगर निवासी अशोक कुमार की बेटी प्रियंका तिवारी की शादी वर्ष 2006 में पवन तिवारी पुत्र माता प्रसाद तिवारी के साथ ग्राम मरिकालिया थाना में हुई थी। प्रियंका का पति उसको 12 वर्ष से छोटी छोटी बातों पर मारपीट व गाली गलौज करता रहता था। 6 जनवरी को पीड़िता को उसके पति ने बहुत मारा और छत की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये जानकारी जब पीड़िता ने अपने माइक वालों को दी तो उसके पति ने उसका फोन छुड़ाकर उसके घर वालों को भी गालियां दी तथा मारने की धमकी देते हुए फोन को तोड़ दिया। पीड़िता को आज तक कोई संतान नहीं है। आपके साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है? हमारे साथ इन्होंने मारपीट की। जीना से पटकू में जब हमारे घर को फोन आओ तो जी हमारे मम्मी पापा को बहुत तेज गाली दे रहे थे, तो मैंने मना कर रही थी बिल्ला रखो, तो इन्हें वही गर्म दूध डाल दो वहाँ में, वो पूरे करके उठाई पहले 2-3 बीमारी पैर में, और फिर इन्हें हमें बिल्ला से मारो। जब हमारी मम्मी पापा कहने लगे कि हम मम्मी पापा से बात कर रहे थे जाके बात, तो इन्हें फिर वो उठाओ गुम्मा उठाओ तो मैं हाथ में मार दो है वो। तब हमने इनसे कही हम इनकी नेक नेक न मारो, उनकी जात से एक धार के मार डालो, हमने कही तुम फुर्सत हम फुर्सत। लेकिन और जब इन्हें बाहर को आए तो इन्हें जीना से ऐसे वत पर उठा के पटक रहे थी, तो उन्हें धक्का था उसको नीचे आए, मम्मी आती मम्मी से हमने कही हमकी मम्मी जी पटक रहे बचा लो, तो मम्मी भीतर घुस गई। और सूचना मिलने तक जब पीड़िता के मायके वाले वहां पहुंचे तो उसने उन पर भी लाठी से मारना शुरू कर दिया। पीड़िता के मायके वालों ने जब डायल 100 नंबर पर फोन किया तो वह घर से भाग निकला और कहने लगा कि प्रियंका को भी जान से मार डालेगा। मिली जानकारी जब डायल 100 नंबर पुलिस ने भी पीड़िता के साथ उचित कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पवन राजनीतिक और दबंग किस्म का व्यक्ति है, तो प्रियंका को न्याय किस प्रकार मिलेगा। एक बार और कोच थाने में पवन तिवारी के खिलाफ शिकायत पत्र दे चुके हैं, परंतु पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।